आज हम बना रहे हैं ब्रेड टोस्ट। तो इसके लिए हमने लिया है एक ब्रेड और थोड़ी एक कटी प्याज और एक ये रात का बचा हुआ आलू का भरता है। तो आप कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं। अब हमें गैस पे रखना है एक तवा, उसको हम गर्म होने देंगे अच्छे से। जब तक तवा गर्म होता है तब तक हम टोस्ट बना लेते हैं अपने मसाला भर के। आलू और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से। इसमें कोई मसाला आपको ऐड नहीं करना है। नमक देख लीजिएगा आप, नमक कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको आप ब्रेड पे अच्छे से चारों तरफ फैला लीजिए। जितने चाहें आप उतने टोस्ट बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में भी। अब इसको आप थोड़ी ऐसे ही रख दीजिए और दूसरी ब्रेड लीजिए। ही लगा के जितना चाहें आप उतना बना सकते हैं। ये देखिए हमारे दोनों टोस्ट तैयार हैं। अब इन्हें हम तवे पे सेकेंगे। अब आप इसमें डालने के लिए या तो ऑयल का यूज कर सकते हैं या बटर हो आपके पास या घी हो। मैं तो अभी ऑयल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल गर्म होने देंगे, उसके बाद हम टोस्ट को फिर रख देंगे। तरीके से हमें प्रेस करना है इसे अच्छे से और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, नहीं तो हमारे टोस्ट जल जाएंगे। अब ये देखिए मैं आपको कलर दिखाता हूँ पलट के, मस्त कलर आया है टोस्ट का हमारे। अब इसमें हम नीचे से भी ऑयल का यूज़ करेंगे या बटर का यूज़ कर सकते हैं आप, जो आपके पास अवेलेबल हो। देखिए ये अच्छे से सेक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। अब ऐसे ही हम दूसरा टोस्ट तवे पर डाल लेंगे। ये हमने लिया है ऑयल पहले की तरह और ये हम डाल रहे हैं टोस्ट। दोस्तों आप घर पे बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सच में ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हैं। कितना बढ़िया कलर आया है, ये अच्छे से सीख चुका है एक साइड से। अगर आपको लगता है कच्चा है तो दोबारा देख सकते हैं। देखिए दोस्तों दोनों हमारे टोस्ट बनके तैयार हैं। अब इसे निकाल लेते हैं और इसे हम ऊपर से हरा धनिया और कुछ भी टमाटो सॉस डालकर हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो आज के लिए आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये डिश पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।